सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी किसी सिटी में हमें धमाका, कभी केपीके में, कभी बन्नू में, कभी बलूचिस्तान में, ये चीज़ें हम देखते हैं। और कोई भी कंट्री में स्टेबिलिटी या बिजनेस तभी डेवलप होता है, बेहतर होता है, जब वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू ना हो। तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं, तभी वहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं। क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे ये सिक्योरिटी का इशू या आए दिन बम धमाके क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, कौन इसका जिम्मेदार है? असल में ये है कि जब 2000 में जब अफगानिस्तान वार हुई है शुरू, उसके बाद से पाकिस्तान के जो हैं हालात वो बहुत ज़्यादा डिसेबल ही चल रहे हैं। उसके बाद जो है ये तालिबान का मामला आ गया अफगानिस्तान, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज़ाद हो गए, वो भी मामला ठीक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो TTP है, जो पाकिस्तान को कूफतें, पाकिस्तान को जो नहीं मुस्तकबिल में अच्छा देखना चाहती, वो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बराबर और मुकम्मल हो रही है। अभी ये पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और यहीं से मैं जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आऊँगा कि भाई अफगानिस्तान को लेके हम अक्सर जब भी धमाका होता है मोस्टली हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग या रॉ की बात कर देते हैं कि इंडिया की एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। अभी इंडिया वालों ने आज ये खबर आई है कि वो तो अपना जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है या बांग्लादेश को लगता है वो उसकी फेंसिंग करने जा रहे हैं, यानी कह लें कि उसको कवर करने जा रहे हैं, बाड़ लगाने जा रहे हैं। हम क्यों, हमें भी ये अगर इशू रहता है तो हमने क्यों नहीं बाड़ लगाई, हम क्यों नहीं ये मतलब वो कर रहे हैं? बिल्कुल पॉइंट समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल, असल में बात ये है कि पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ इंडिया जो बाड़ लगाना चाह रहा है वो इस इशू की वजह से लगाना चाह रहा है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारक है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, बांग्लादेश में मुसलमान मुल्क है, ये भी मुसलमान मुल्क है। असल में ये है कि हमें और तो कोई किसी से इतना इशू नहीं है कि कोई हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। सबसे ज़्यादा हमें खुद से ही जो है नुकसान पहुँचने का डर है। उसकी वजह ये है कि जब से ये अफगानिस्तान की बॉर्डर ऑन है और यहाँ पर आने जाने के भी इजी है कि आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं, स्मगलिंग होती है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये कि हमने फेंसिंग अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तो की हुई है, मोस्टली की हुई है, वहाँ पे रास्ता खुला है आने जाने का, उनके पास 150 रास्ते हैं जिसकी वजह से वो इतनी चोर दरवाजे हैं। उसकी वजह से इन्वेस्ट इंडिया इतना करता है कि जो ये हमारे जितने भी तकरीबन ये बम धमाके हैं या खुदकश हमले हो रहे हैं, ये 50% से 75% इंडियन रा की जो है वो फंडिंग है। हम तो इस पे सेटिस्फाइड हैं। आपका ये पॉइंट है, हर एक अपना अपना पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया पे मोस्टली यही चीज बताई जाती है कि जो भी इशू होता है पाकिस्तान में उसके पीछे कहीं ना कहीं रॉ है, ये बताया जाता है। लेकिन फिर इसमें तो सबसे पहले हमें फेंसिंग करनी चाहिए थी ना। देखें वो अगर कर रहे हैं, उन्हें अगर ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो, जो कि वो कहते आए हैं हमेशा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हमें ये सिक्योरिटी इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये हमेशा वो कहते हैं, तो उन्होंने इसका हल निकाला कि भाई हम बॉर्डर, तो हम हल निकाल लेते बजाय इल्ज़ाम लगाने के कि भाई ये इसने किया, ये अफगानिस्तान ने किया, ये इंडिया ने किया, ये उसने किया, तो हम बॉर्डर कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी तो किया है ना, अभी जो ये निगरान हुकूमत है उन्होंने ये पहला पॉइंट यही तो उठाया है कि जो गैर कानूनी है, जिनके पास कोई भी मेरा मतलब है कि कार्ड नहीं है, तो उनको अब वापस अफगानिस्तान भेज, अफगानिस्तानियों के जो लीगल पेपर नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब कोई भी आएगा तो वो वीज़ा लेके, पासपोर्ट लेके तो उसके थ्रू आएगा। उससे ये है कि हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये दहशतगर्दी का मामला बहुत हद तक हल हो जाएगा। अब अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में पाकिस्तान या कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी टेररिज्म के हवाले से कोई एक्ट ना हो, लेकिन अगर अब पाकिस्तान में कुछ इस तरह का होता है तो अब हम अफगानियों को ब्लेम नहीं करेंगे? नहीं, अभी जब तक ये मामला हल नहीं होता, क्योंकि अभी कितने ये अभी ताज़ा अभी एक दो वाकया तय हुए हैं, पाँच चार बिल्कुल अफगानी ही मुलव्वस उसमें निकले हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं कहते कि हर मामले के पीछे वही लोग होंगे, इसमें और भी है, अपने लोग भी हो लोग भी हैं। बिल्कुल हैं, इसमें शामिल हैं, तो फिर ये इतना बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, इसमें ये नहीं कहते कि 100% वही हैं। अच्छा, सर मुझे ये बात बताएं, देखें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, उनमें आपस में जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, लेकिन आज उनमें बॉर्डर फ्री ट्रेड चल रही है, आज वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, एक ट्रेन पर आप बैठ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे 76 साल गुजर गए हैं, मामला इंडिया पाकिस्तान के मतलब कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, जो उनसा नाराजगियां बढ़ने की तरफ जा रही हैं, देखें अब वो फेंसिंग कर रहे हैं, हम फेंसिंग करेंगे, मतलब ये तो दूरियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल, तो क्या समझते हैं ये दूरियां खत्म कैसे होंगी? दुनिया के दूसरे कंट्रीज आपस में रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसे वो इश्यूज हमारी तरफ से आते हैं, फिर उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, ये मेरी बात समझिए। हाँ जी बिल्कुल, बात ये है कि जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं
वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, जंगें भी हो गई, लेकिन वो वार ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा इशू सबसे पहले ये है, जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक ये वार का डर भी रहेगा और तब तक ये सारे मामला इंडिया के साथ कॉन्फिडेंसली सही नहीं हो सकते। हो गया तो आपको लगता है कि जो हमारे साइड पे कश्मीर है उसके साथ बड़ा हम ईमानदारी से सिंसियर होके चल रहे हैं, हम उनको बड़े राइट दे रहे हैं कि हम कहें कि हम इंडिया वालों के लिए भी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि जो पाकिस्तान के जो कश्मीरी हैं वो दिल से भी मुतमिन हैं। अच्छा। हम भी जाते हैं जब कभी सैर तफरी के लिए विज़िट के लिए जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं और कोई भी ऐसा इशू वो नहीं मतलब के रखते कि जिसकी वजह से हमें ये लगे कि ये हमसे थोड़ा तंग। लेकिन मैं एक आपको लास्ट में खबर ये बता दूं कि कश्मीर जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उन्हीं के एरियाज़ में उन्हीं के सिटीज़ में लोगों ने पाकिस्तान के जो ट्रांसफार्मर हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर या जो खंभे हैं उन्हें उखाड़ के फेंक दिया कि भाई आप हमें इतनी महंगी बिजली दे रहे हो और हमें ये चाहिए ही नहीं, ये पाकिस्तान साइड कश्मीर। बिल्कुल शायद खबर ना, बिल्कुल खबर है, ये बात ठीक है, लेकिन वो इशू ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो बिजली के रेट बहुत ज़्यादा अप किए हैं, 70 रुपये तकरीबन कर दिया है, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि भाई ये हमारी जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अपने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, बड़े मेन पोल लगाए हुए हैं, इसका हमें भी तो कोई रॉयल्टी देना, ये उनका हक बनता है, बिल्कुल उसकी रॉयल्टी मिल रही है, तो ये भी उनको हक है कि उनको रॉयल्टी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। इधर अगर आप बाजार में हैं और आपके इर्द गिर्द लोग बात भी करते हैं बिजनेस के हवाले से भी, क्या लगता है 100 में से कितने परसेंट लोग चाहते हैं कि यार ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ, इश्यूज जो भी हैं वो टेबल पे बैठ के हल हो जाएं, लेकिन यह है कि ये मामला बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, आप क्या, पहले तो आप अपना बताएं। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि हर काम का जो है वो हल जंग नहीं है, ठीक है कि नहीं, होनी चाहिए ट्रेड, लेकिन ट्रेड तभी होगी जब दोनों मुल्कों में ये सबसे बड़ा मसला हल होगा। इंडिया के लोग भी ट्रेड चाहते हैं, ये नहीं चाहते। अब मैं आपको बताऊं, अब वो कुछ लोग चाहते होंगे लेकिन अब मोस्टली वहाँ के लोग ये कहते हैं हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो उनसे वो ये नहीं है, वो सिर्फ प्रोपोगंडा है जो उनका मीडिया करता है। वैसे बाय द वे ऐसी इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं है, वो भी हमारे साथ इस तरह रिलेशन चाहते हैं, पब्लिक जो उनसे मोहब्बत करना चाहती है। यहाँ पे लोगों से सिर्फ सादा सा सवाल, आप मुझे बस इतना बता दें इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? बस होनी चाहिए। क्यों आप अंकल जी? चाहिए, होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए इंडिया को। आप देखें ऐसे लोग भी हमारे इधर, मुझे उनकी अपनी ओपिनियन है लेकिन इधर आ जाए, साथ आ जाए, ये भी तो आप क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है? बिल्कुल पाकिस्तानी है, लेकिन हर इंसान की अपनी राय है, ये भी अगर इस तरह के लोग यहाँ हैं तो वहाँ भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन क्यों खत्म होना चाहिए, क्या रीजन? नहीं, हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया ही है। अच्छा, आप ये स्टेटमेंट देंगे वहाँ से सुन भी रहे होंगे लोग, मतलब जाहिर बात है सोशल मीडिया पे भी, क्या मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? मोहब्बत हमसे बड़ी बढ़ती है लेकिन उनकी तरफ से हम मोहब्बत नहीं बढ़ते। देखें इन्होंने बात की कि ट्रेड होनी चाहिए, तल्लुक अच्छे होने चाहिए, देखें ये अच्छी, आपने आपसे मैंने पूछा, आपने कहा खत्म हो जाने चाहिए, वाला कि उसका मतलब ये है हमारी इतनी कोशिश होती है, हम अप्रिशिएट करते रहते हैं उनको, बड़ी सपोर्ट करते रहे, लेकिन उधर से हमें वो स्पॉन्स नहीं मिलता। हमारा दिल कहते हैं हमारा साथ अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए, लेकिन जब नहीं ना मिलती तो फिर दिल दुखता है उधर से। लेकिन सेम उनकी भी यही बात है कि भाई हमने हमेशा पहल की, उनके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और वो यहाँ पे आए, लेकिन फिर से बहुत से ऐसे मामला हुए जिनकी वजह से ये मामला था। क्या समझते हैं फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद कोई बेहतरी आएगी या दूरियाँ बढ़ेंगी? बिल्कुल बिल्कुल हम ये सोच भी रखते हैं कि बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, और ये भी यही कोशिश करते हैं कि बेहतरी इंशाल्लाह आनी चाहिए, आनी चाहिए। आवाम जो है बहुत सारे, हम खुद जो हैं तकरीबन ये पंजाब के 50% लोग जो हैं वो इंडियन पंजाब से रिलेटेड हैं, माइग्रेट हो गए हैं, अभी भी वहाँ पर हमारे रिश्तेदारियाँ हैं, रिलेशन हैं। कौन से एरिया में? कौन से? अमृतसर से। और मैं भी अमृतसर से ही, जो हमारे जो मतलब बड़े हैं वो भी, और मोस्टली लोग यहाँ पे जो लाहौर गुजरांवाला में वहीं से माइग्रेट हो गए हैं। देखें कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत है, कहीं ना कहीं दिल में आपस में फीलिंग्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से, मीडिया की, खासतौर पर मीडिया की वजह से इतनी नफरतें फैल चुकी हैं कि आज ऐसे लोग भी, मैं इन्हें बुरा नहीं, इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आज ऐसे लोग भी मौजूद हैं और ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे भी होंगे, लेकिन हमें मोहब्बत की बात करनी है। कोई एक अच्छा मैसेज, पीस का मैसेज आप अगर दें हमारे चैनल के? हाँ बिल्कुल, मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही गुजारिश है
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि ये जो कश्मीर का मसला है इसको मिल बैठ के हल करें, टेबल पे बैठ के हल करें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानियों को इंडिया जाने के लिए जो वीज़ा वो भी देने चाहिए, जिस तरह हमने खुले दिल से करतारपुर राहदारी बनाई है और वहाँ ऑलरेडी जब मर्जी कोई आ सकता है, तो इस तरह इंडिया को भी हमारे लिए कोई इस तरह का मामला सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप लास्ट में कोई मैसेज, कोई भी एक दो मिनट का अपनी ओपिनियन, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं, जाहिर बात है जैसे वो आते हैं हम भी जाएं, उधर जाके एंजॉय करें, वो भी करते हैं, जाना तो हाँ, इस तरह मोहब्बत बढ़ेंगी, इसी तरह मोहब्बत बढ़नी है, इस तरह दूरियाँ बढ़ेंगी, या ना आएंगे ना जाएंगे दूरियाँ बढ़नी है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का दौर है, अब इकोनॉमी का दौर है, अब जंगों की बात करने वाला बेवकूफ होगा। जाहिर बात है, आप क्या कहेंगे जी, आप क्या कहते हैं, ट्रेड होनी चाहिए? नहीं, मैरिज होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने हाथ लाया था खत्म कर दो। ओ बेला, ये होता है हमारे जतन जतन, ठीक है। हम उधर के फैन भी उनका सलमान। अच्छा, आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान इंडियन है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? उसकी वांटेड मूवी है, वो भी इंडियन है। आपका फेवरेट सॉन्ग, गाना कौन सा है? उसकी मूवीज के जितने भी गाने मैं उसका फेवरेट, सलमान खान, जो सलमान खान का वो है, उनकी वजह से उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है इंडिया को, मैं बहुत करता है इसलिए, वजह एक बंदा है जिसकी वजह से मैं इंडिया को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा लगा जी बात करके। यहाँ पे जितने भी लोग थे, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी, और मैं एज ए यूट्यूबर, एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ जो इन्होंने बात की, मुझे उस बात को भी जो है वो देखने की जरूरत है, इन्होंने भी जो बात की वो भी आप तक पहुँचाने की जरूरत है। आइए मजीद भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल। आपका नाम सर? हुसैन। हुसैन, अच्छा ये मैं पहले बताता चलूँ कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ये एक स्टॉल्स है, और मैं मेरे ख्याल से ये हर जो सिटी है, चाहे पाकिस्तान का सिटी हो या इंडिया का सिटी हो, वहाँ पे इस तरह के स्टॉल मौजूद होते हैं जहाँ पे बुजुर्ग हजरात या अंकल बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताएं पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का सिचुएशन है कैसी है? सिक्योरिटी कोई भी नहीं ठीक है, ना जी ठीक है, ना सिक्योरिटी ठीक है। ये हंसने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात है। परेशान होने के लिए ये दौर बदल गया है। अच्छा, हम नहीं परेशान होते। ये देखे जी पाकिस्तान की ये सिचुएशन है, धमाके हो रहे हैं, ये कह रहे हैं हम परेशान नहीं होते। बस ये अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह ताला सब की खैर करे। हंस क्यों रहे हैं? धमाके हंसने वाले नहीं, परेशानी वाले। नहीं, परेशानी वाली बात है यार, ये सब ये रले हुए, ये बस ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अभी खबर ये अल्लाह ने सुपुर्द है, ये अल्लाह ने करना है काम, किसी ने कुछ नहीं करना, किसी ने नहीं, हमने भी, अल्लाह भी यही कहता है कि भाई आप मेहनत करो, आप काम करो, हम ये इधर चाहेगा ठीक होंगे तो दूसरे ठीक होंगे, नमाज पढ़ाने वाला ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा। ये जो हम हर बात में कह देते हैं अल्लाह करेगा, आपको नहीं लगता ये बात गलत है? मतलब हम कुछ ना करें, अल्लाह सब कुछ करे, हम कोशिश भी ना करें, मतलब जो अकाम ने उन्हें उजार होते तो चेक होते ना नीचे कोई बम है कि नहीं है, जो उन्हें कोई समान ही कोई। या ये बात इन्होंने थोड़ी बहुत लॉजिकल किया कि भाई जब हम अपना तहफ्फुज खुद करेंगे तो ही बेहतरी आएगी। अच्छा मुझे बताएं, अभी खबर ये आ रही है नेबर कंट्री से, वो अपना जितना भी उनका बॉर्डर है इंडिया का, वो उसे सारा जो सा फेंसिंग कर रहे हैं, बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, हम गए हैर है, कोई मसला नहीं, 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 ये तो ये हमारी नहीं, जी पाक फौज है ना जी, उत्तर खलोती गरीब लोग वो अच्छे लोग है, जेड़े जेड़े जनरल शनरल है ना, ये बड़े लोग है, ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, ये नहीं काम करते। उम्मीद है बेहतरी की, अल्लाह बेहतरी करेगा, बस हमने कुछ नहीं करना, हमने तो बस अल्लाह के झूठा है। एक बंदा 1000 रुपया कमाता है वो कैसे घर चलाएगा? अच्छा, आप हर परेशानी में हर सूरत हाल में हंसते रहते हैं? बस हंसते रहते हैं। एक दफा हंस के दिखाएं जरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू नहीं, इशू बहुत ज्यादा है। आप आज आए जी मजीद ठीक हो रहे थे। देखे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। मैं उनसे बड़ी सीरियस बात कर रहा था, और हमारा टॉपिक सीरियस मतलब वो रहते हैं, लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, कभी कहीं धमाके हो रहे हैं, कभी कहीं वो आगे से हंसने लग पड़े हैं, मतलब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, ये सिक्योरिटी का इशू क्यों हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को कवर क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा भाई, इन चीज़ों को हम कवर कैसे करेंगे? अच्छा। मुझे ये बताएं, इन चीज़ों का कवर ऐसे होगा जब पीछे हमारे को पीछे हाथ ही अच्छा नहीं होगा, हाथ हेल्थी नहीं होगा, कैसे कहाँ इसको काम को कवर करेंगे? जब देखें कि हम इधर गरीब लोग हैं, 1200 रुपये दिहाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है,
मुझे ये बता मेरे घर का 1500 खर्चा, मैं 300 डकैती करूंगा फिर घर को पूरा करूंगा। एक और दूसरी बात मेरा भाई, ये देखें जब पीछे अगर नवाज शरीफ है, जैसे कि इमरान खान लोग हैं, इनके पीछे हाथ बढ़ा ना, इनके पास पीछे सारा कुछ है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग क्यों नहीं कर रहे? हम जैसे हर बात में ये हमें बता दिया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में गलत होता है हम ये कह देते हैं इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, रॉ की साजिश है, इंडिया की। खुद नहीं ठीक मेरा भाई, ठीक है। और एक चीज इन्होंने बड़ी बात किया कि 1000 रुपया अगर इनकी दिहाड़ी है, यानी एक दिन का 1000 कमाते हैं, 1500 इनका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो ये 500 रुपया चोरी करेंगे, कहाँ से लाएंगे? और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है बढ़ता जा रहा है, उसकी यही रीजन है कि भाई घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। क्या कहते हैं वो इंडिया वाले अपने बॉर्डर को कवर करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारे पब्लिक, हमारी जो सी आवाम है वो बहुत अहमियत रखती है, हम अपना तहफ़ खुद करेंगे, हम क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर कवर वर्क कर लेते हैं? हम भी कर सकते हैं मेरा भाई। हाँ। इंडिया वाले ये है कि सारा कुछ अपनी जनाब पे कर रहे हैं ना, अगर अपने भरोसे पे कर रहे हैं ना, हमें तो अल्लाह ताला की जात पे भरोसा होना चाहिए ना। अगर उनको उनका खुदा कोई और है ना, हमारा तो खुदा एक ही है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं, हमारा खुदा, लेकिन उनके लिए पीछे सारा कुछ है ना, हमारे पीछे क्यों नहीं है कुछ? मुझे ये बता, इसमें मजहब को तो नहीं मेरे ख्याल से लाना मेरा भाई, मजहब इस्लाम को लाना चाहिए ना मेरा भाई। एक इंडिया वाले हैं कि सारा कुछ वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अपने मेहनत से कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि जो करेगा अल्लाह करेगा या जो करेगा भगवान करेगा, वो तो अपनी मेहनत की। मेरा भाई बात ये है कि अगर हमें अल्लाह पे भरोसा होगा, उनका भरोसा नहीं है किसी पे, उनको अपने आप पे भरोसा है ना। काफर लोग कैसे अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करते? आप मुझे ये बताएं, हम नहीं डरते, काफर लोग डरते, हम नहीं डरते। सर ये बात ना करें, थोड़ी सी आप देखें हिस्ट्री को, आप मैं उस तरीके से आपने बात ये पता है 1977 की जंग में क्या हुआ था आपको पता है? क्या नहीं पता, नहीं फिर पता। आप हंस के दिखा दें एक दफा फिर से। ये हुआ था। अच्छा ये चीजें जो कंसेप्ट दे दिया गया है कि भाई वो डरते हैं, हम नहीं डरते, आपको नहीं लगता? मुझे ये बात बताएं, हम दो भाई आपस में मुसलमान, सामने आपस में हम दो भाई कह रहे हैं, आपका मेरा झगड़ा हुआ पैसों की वजह से, मैं आपने मुझसे पैसे लेने हैं, मेरे पास पैसे नहीं, आपको भी शदीद जरूरत है पैसों की, आपके घर के मामलात भी ऐसे हैं, आप क्या करेंगे, मेरा कत्ल कर देंगे, कत्ल करके मेरे से पैसे ले लेंगे आप? नहीं, नहीं, ये तो गलत बात हो। गलत बात है, बात ये है कि जब हमारे पास जब पीछे कोई चीज़ ही नहीं नजर आएगी। देखे हमें इस्लामिक कंट्रीज, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं, हमें तो हमारे इस्लामिक कंट्रीज नहीं आप सपोर्ट कर रहे, वो कहते हैं यार आप आए दिन मांगने आ जाते हो, आप आए दिन कहते हो कि पाकिस्तान की हालत नहीं ठीक, हमारी हेल्प कर दो, बात है हमारी ऐसे रिस्पेक्ट बढ़ेगी या कम होगी? मुझे बस एक छोटी सी बात आप समझा दें, आप इस चीज को समझदार रखते हैं, ये हम जो फ्लैक्स वगैरह बनवाते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए फ्लैक्स बनवाते हैं, 50,000 लाख 2 लाख लग जाता है, तो ये लोग हम अगर किसी गरीब लोग को देकर उसके घर का संवार ले, तुम्हारे लिए बेहतरी नहीं आएगी? खैर यहाँ पे देखें उस तरीके से जितनी जिसको नॉलेज है उन्होंने बात की, और मैं ये समझता हूँ कभी कभी इस तरह के लोग जो कभी जो चाय के खोके पे, चाय के स्टॉल पे बैठते हैं, अपने पूरे दिन की जो मसरूफियात है उसे डिस्कस करते हैं, हमें उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए ताकि पता चले पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो क्या सोच रखता है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं अंकल जी, एक दफ़ा फिर हंस दिए, फिर मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली मुस्तफा। क्या करते हैं भाई? मेरी ये शॉप है, पट्टा लगाया हुआ मैंने बनाना जलाप होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बिजनेस कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, कोई भी बिजनेस या खास तौर पे आप अपने काम की बात? हमारा भी सीजन आया तो छुट्टियां चल रही हैं, कभी स्मोक आ जाता है, कभी कुछ आ जाती है, हम तो बड़े परेशान है, किराए निकलने मुश्किल हो गए। स्मोक की सूरत हाल जो है इस टाइम ना सिर्फ लाहौर में, गुजरांवाला में, पाकिस्तान के खास तौर पे जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें ये इश्यूज सामने देखने को मिल रहा है। अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान में आए दिन कभी सिक्योरिटी का कोई इशू, कभी कहीं पे हम सुन रहे हैं धमाके, कभी हम सुन रहे हैं KPK में, कभी बलोचिस्तान में, कभी कहीं में, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कुछ जो इंतजामिया उसका कसूर है, कुछ हमारा कसूर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जितनी देर तक तुम नहीं ना बेहतर हो गए, तुम्हारे हुक्मरान भी बेहतर नहीं हो, ठीक है, और मैं अमालकुम उमालकुम, जिस तरह के तुम्हारे अमाल होंगे उस तरह के तुम्हारे हुक्मरान होंगे। इसका मतलब है जो हम हुक्मरानों को रोते हैं आए दिन, हम ये कहते हैं कि वो चोर है, वो गलत है, ये गलत है, इसका मतलब है गलत हम खुद हैं। भाई बात ही है, जिसको मौका मिलता है ना काम कोई भी नहीं करता। ठीक हो गया। अभी आज खबर ये आई है, सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें, आज खबर ये आई है कि इंडिया ने, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो पाकिस्तान का जितना भी उन्हें एरिया लगता है, बॉर्डर लगता है, इसके अलावा बांग्लादेश का जितना भी बॉर्डर लगता है, वो सबको डिफेंस कवर करने जा रहे हैं, फेंसिंग करने जा रहे हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे भी आए दिन कोई ना कोई इशू रहता है, हम तो बल्कि हर इशू में डाल देते हैं, रॉ की साजिश है, इंडिया की साजिश है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कवर करते, इसका मतलब है क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको तौबा की ज़रूरत है। अच्छा। इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये अल्लाह से रजू है, अल्लाह ने मामला करना, ये क़यामत की निशानी है, ये होना है।
ये टेक्निकली हमें कोई काम करने की जरूरत, सिर्फ तौबा बाद ये जो करना चाह रहा है उसको करने देते हैं। ये तरीके लबैक वाले कुछ करना चाहते हैं तो उनके अंदर जो मामला हो रहे हैं, अगर कोई बंदा आवाज सच की उठाता तो उसको पकड़ लेते हैं। तहरीक-ए-लबैक ठीक है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन जो मैं अगर कहूँ कि भाई हर बात पे आप ये कह दें कि हमने घोरी किस लिए रखा है, हमने ये किस लिए रखा है, हम वो एटम बम लगा देंगे, मार देंगे, तो ये भी तो बात नहीं ना होनी चाहिए। बातें सिर्फ नारों की आती, कह रहा प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है किसी में भी। क्या कहेंगे जो उनकी ये खबर आई है, उन्होंने जो फैसला लिया कि अपने कंट्री को वो सेफ करना चाह रहे हैं, सिक्योर करना चाह रहे हैं, आप क्या फेंसिंग के थ्रू, तो क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला है उनका? ये तो भाई जब जो इस इदारे में बैठा हुआ है वो ही बता सकता है इस मामले में, मुझे इसके बारे में इतना तजुर्बा नहीं है या इतना इल्म नहीं है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। ये आपने मास्क लिया कोरोना की वजह से या स्मोक की वजह से या फिर सेल्फ डिफेंस का स्मोक की वजह से? बिल्कुल ठीक है। टॉपिक ये है कि अगर आप उतार देंगे एक मिनट के लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा, चलें। अच्छा टॉपिक ये है कि भाई इस टाइम इंडिया से खबर ये आई है कि जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है उनका, जितना भी बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है, वो सारा बॉर्डर जो है वो फेंसिंग करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे वो अपने अपने कंट्री के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए इतना कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान को 2200 किलोमीटर हमारा लगता है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाला क्यों नहीं किया? बेसिकली आपको इस टाइम जो है ना फलस्तीन और इसराइल का इशू जो है ना उठाना चाहिए, ठीक है? अभी इंडिया और पाकिस्तान का ये इशू आपका नहीं है, जो नहीं बनता। हाँ जी, जो फलस्तीन के बारे में आप क्या कर रहे हैं और इसराइल को लेकर आप क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप बताएं मुझे क्या कर रहे हैं, आपने कितना इशू उठाया? आपने मेरा चैनल क्या किया? आपने हमारा चैनल जाके देखना, थोड़ा सा कैमरे इस साइड पे आ जाए। हमने 15 से 20 वीडियो इस इशू के ऊपर, फलस्तीन और ये इसराइल के ऊपर बनाई है, ठीक हो गया। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? आप मुझे बताएं आपने क्या किया, आप सरकारी लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्या किया? मैं सरकारी, मैं तो सरकारी मुलाजम नहीं हूँ, मैं नहीं तो एक, लेकिन आपने एक चैलेंज है ना आपका, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं ना, तो आपने क्या किया? हमारा काम तो आवाज उठाना है। आप क्या उठाई आवाज, क्या उठाया आवाज, क्या उठाया आवाज? तो यही बताया ना कि भाई जो दुनिया में हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया अगर इसराइल की बात करें उसे सपोर्ट कर रही है, अगर फलस्तीन की बात करें जितने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोगों को बताया, मेरा काम तो यही है। आप अपने चैलेंज के फेमस के लिए आए हैं, बस चैलेंज के लिए आए, बस आप चैनल के फेमस के लिए आए, तो हर कोई देखे आप करने के लिए और कोई इशू नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो आप जॉब पे जाके जब अपने ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं कहूँ आप सिर्फ पैसे लेने आए हैं? नहीं। हाँ, फिर किस लिए? नहीं, बेसिकली तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात टॉपिक चेंज ना करें, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, ये काम है अभी ना? आप इंडिया को इसका इशू ले आए कि आपको कोई मना किया गया किस बारे में फलस्तीन के, उसके बारे में बात नहीं, कौन मना करेगा? तो फिर आप आपको ये माइक भी आपको दिया, कैमरा भी चल रहा है, आप बात करें जो करना। नहीं, आप मुझे आप बात करें ना। अच्छा चले, फलस्तीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको चाहिए यार, आप लोग सरकारी लेवल पे अगर आपकी बात सुनी जाती है, अगर आपकी बात सुनी जाती है तो आप इस लेवल पे लेके जाओ, अपने चैनल को करो कि आपके थ्रू कोई ना कोई इसके भाई, मेरा काम ये है, मैं पब्लिक में जाके लोगों की आवाज। ये आप इधर बाजार में आओ, बाजार में आओ, ये बाजार जो बंद करवाते हैं स्मोक की वजह से करवा रहे हैं क्या, इसमें ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं, क्या करते हैं ये जो सा इस टाइम हमारी आबो हवा, ये जो सा